धरना हमें मजबूर न करे कि कल मैं लाल चौक में धरना दूं या अपना जान दे दूंगा। तुम कत्ल भी करो, हम आह भी न करे, ये कैसा कानून है? एजाज की लाश को वापस करो, अतहर की लाश को, एजाज की लाश को वापस करो, अतहर की लाश को वापस करो, वापस करो, वापस करो, वापस करो, वापस करो, वापस करो, वापस करो। अम्स ओस जिसके अम्स सत्त सा रोप लगान आपरेशन ये सत्त सामस आपरेशन लगान सह आशा गरि रेतस बेडस पे आशा पांच तरह दौन उस मे लड़ि बोमवार दो सुबह दुन बस पुलवोम कि शहर वस अत पे द्राव ना पाई नो यह कूत तूफान वन सामान वन यमो कत सामान मिलटट अगर मिलटट उस गरि रट दिन इस दुख यम से बेगुना इन कहान कतल अफसूस कौशरस कौमस अस बन पान पान बन गुनाहगार पान बन पनस पानस पे जालिम आज कोरुख मे आज कोरुख अमिस बेलविकस कालकथ कर बिहुमस कालकथ यह सारे वह मजे लिहाजा चुस बहुत लुकन कर अपील तुम बनत अको खुदा सदि पास नबी सद पास अकिस मत कन तो इन रोपियन मत गव खाम तमा इन मंजू गल मत गव खाम तमा हया ये मोबाइल अगर ये मौलवी सोबन पोड़ वाज हया सो उस वाज ही पड़ा सिग्नल आसे उस यी वन योतान ने मे मज अस मज उस कत तम आस सिग्नल आज दिवान वन फलान जाए इत हिसाब चलान लिहाजा अस दिए तुम पे डेड बाडी यह गो तो ती गो करो पानस ब्रोट कहीं दफन बाकी से सहन यही अपील बी क्या हेको कर रिश्तेदार हूँ मेरी शादी का लड़का है वो और उसका भाई भी मेरे साथ है का चाचा भी मेरे साथ है और भी बहुत बहुत से रिश्तेदार हैं। मेरी गुजारिश है जम्मू कश्मीर की हुकूमत से खासतौर गवर्नर साहब से अलजी मनोज सिन्हा साहब से कि वो गवर्नर जो है ये मुझे मालूम है बहुत ही बुरदबार रीजनेबल रिस्पॉन्सिबल गवर्नर है। इससे पहले भी गवर्नर दो आए हैं यहाँ पर लेकिन वो बातें ज़्यादा करते थे, ये काम करने वाला गवर्नर है। हम मजलूमों की आवाज़ जनाब गवर्नर साहब से हमारी तरफ से गुजारिश है कि तीनों जवानों की लाशें इनके घर वालों को हवाला किया जाए और हम शरई तौर पर उनको तदफीन कर सकें। और इससे पहले भी ऐसा वाक़ा पेश आया शोपियान में इनकाउंटर अमशीपोरा और बेकसूर मारे गए हैं। लिहाजा मजलूमों के साथ इंसाफ किया जाए और हमें फौरन फौरी तौर डड़बारी वापस दिया जाए। तहकीकात एजेंसी हमारी गुजारिश है वो पूरा तहकीकात करके ये पता चले दूध का दूध पानी का पानी। अगर मिलिटेंसी में वो शामिल है तो हम खामोश बैठेंगे, अगर नहीं होंगे तो मेहरबानी करके हमें ये डड़बारी वापस दिया जाए। यही तरगाम वाले और डाला वाले और उतरगाम वाले की तरफ से गुजारिश है एल जी साहब से, आई जी साहब से और तमाम कारण हुकूमत के जो अदाकार हैं उनसे गुजारिश है कि हमें डड़बारी वापस दिया जाए। बाकी वसलम। मैं आई जी साहब से गुजारिश करता हूँ कि कल उन्होंने मीडिया से कुछ जवाब दिए थे कि हम इस नतीजे पे पहुँचे हैं कि 60% हमने मतलब ये कार्रवाई की है, अभी 10% बाकी है, इसमें 10 दिन और लगेंगे। मुझे शर्म आती है इन लोगों से मतलब ये कहने में कि क्या पहले मुजरिम को सज़ा देते हैं फिर ये जाते हैं फाइल लेके जज को बोलते हैं कि इसका ये इंसाफ कर दो आप। मतलब कौन सी बात है, पहले मुजरिम को अतर को पहले सज़ा दिया गया है, आप ये सबूत ढूंढ रहे हैं, सबूत ढूंढ रहे हैं कि ये गुनहगार था या बेगुनाह था। और दूसरी बात उसने बोली थी कि अगर मैं इनकी डेड बॉडीज़ वापस कर दूँ तो कोविड की वजह से मैंने ये रोके हैं क्योंकि यहाँ लोग जमा होंगे, मतलब बाकी परेशानियाँ वहाँ होंगी। मैं आई जी साहब से ये कहना चाहता हूँ कि हमारा एक रिश्तेदार मारा गया था, वो पुलिसमैन था नटीपोरा में, मंजूर अहमद, मैं भी उसके जनाजे में शामिल था। 10,000 लोगों ने वहाँ जनाजा अदा किया। जब उनके घर वालों को वो डेड बॉडीज़ वापस दी गई
मेरे बच्चे को, हमारे बच्चे को क्यों नहीं दे रहे हैं ये? मतलब ये इसमें क्यों, मतलब ये नाइंसाफी, नाइंसाफी क्यों कर रहे हैं? और मैं आपकी वसादत से, मतलब आईजी साहब से ये कहना चाहता हूँ कि यहाँ कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, मैं ये लिख के दे दूँगा। मैं शाम को या रात को ही उसको यहाँ दफन करूँगा, बस मुझे उन्हीं कातिलों के हाथ में, चाहे वो चार हैं, छः हैं, आठ हैं, उन्हीं के हाथ में उसकी डेड बॉडी मेरे घर तक लाई जाए। मैं रात को ही, रात को ही, मतलब मैं, मेरे घर में जो बूढ़ा बाप हैं, माँ हैं, उसकी बहन है, वो मुझे रोज़ रोज़ कह रहे हैं कि आपने अतहर को कहाँ रखा। उन्होंने उसका, उनका चेहरा, मतलब उसका चेहरा भी नहीं देखा। मैं गुजारिश करता हूँ आईजी साहब से कि मेहरबानी करके मैं रात को ही उसको घर में लाऊंगा, रात को ही मैं उसको दफन करूंगा। अपने ये जो मैंने कब्र यहाँ खोदी है उसमें मैं रात को ही दफन करूंगा। मैं लिख के दे दूंगा कि कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। बाकी आप लोगों का मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि आप यहाँ तक आए और मेरी ये बात आप पूरी दुनिया तक पहुँचाए कि कितना जुल्म हो रहा है हमारे कश्मीर में, कितना जुल्म हो रहा है। मैंने इसलिए ये काली पट्टी बोली थी कि ये लगाना, क्योंकि कल कोई बेगुनाह इसी तरह फेक इनकाउंटर करके उनको, मतलब ये दहशतगर्द बनाते हैं। इस पर थोड़ा अगर सब लोग दुख करते तो कम से कम इस पर रोक लग जाती। गवर्नर साहब से गुजारिश करता हूँ कि इस केस की तहकीकात जल्दी से जल्दी अंजाम दे। खुद दे ताकि हमारे घर में कभी ना छापा पड़ा है, ना FIR है, पुलिस ने भी सफाई दी है। और हम चाहते हैं इस केस की तहकीकात जल्दी से जल्दी अंजाम दे, वरना हमें मजबूर न करे कि कल मैं लाल चौक में धरना दूं या अपना जान दे दूंगा। क्योंकि मेरा सिर्फ एक ही मकसद है कि इन कातिलों को सज़ा दिलवाना है। बाकी मेरी ज़िंदगी का सब मकसद जो था वो ख़त्म हो गया। अगर मुझे कल कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट तक जाना भी पड़ा तो मैं जाऊंगा। और मैं एक हफ्ते तक इंतज़ार करूंगा, एक हफ्ते के बाद मैं सीधा लाल चौक में अपना जान दे दूंगा, या इस केस की तहकीकात उससे पहले ही की जाए। बाकी पुलिस वालों ने भी अपना रिपोर्ट दे दिया कि इसका कोई FIR, इन तीनों का कोई FIR नहीं था, ये किसी केस में मुलवस नहीं थे। आज ये बोल रहे हैं कि ये OGW है, मतलब कल ये इसका डिटेल बनाएंगे कि नहीं ये दहशतगर्द थे। आज 21-22 दिन हो गए, इन्होंने कहा 60% हमने डॉक्यूमेंट तैयार कर लिए हैं, अब बस सिर्फ 40% मतलब डॉक्यूमेंट बनाना है। ये तो सिर्फ फेक है, ये सिर्फ लोगों को दिखाने के लिए है। देखो ये आग मेरे घर में लगा है, कल ये पूरे कश्मीर में, मुझे लग रहा है पूरे कश्मीर में लगेगा। बाकी आप लोग समझदार हैं, आप खुद समझते हैं कि हमें किस तरह चलना है, हमें इन जालिमों के खिलाफ आवाज उठाना है। मैसेज देना चाहता हूँ अपनी तरफ से, मुश्ताक का अंकल, अभी 22 दिन हो गए हैं इस इनकाउंटर को, फेक इनकाउंटर को। वो अभी 10 दिन और बता रहे हैं कि 10 दिन में हम बता देंगे, हम पूरा सबूत इनके वालिदैन को बता देंगे। हम IGP कश्मीर को बताना चाहते हैं कि आप एक ही दिन हमारे साथ ताउन करो, हम आपको एक दिन में पूरे सबूत फराहम करेंगे कि आपके ज़राया ने, जो आप ज़राया बोलते जिनको आप पैसे देते हैं, उन्होंने इनको घर से उठवा कर
घर से उठवाकर कैसे वहां तक इनको पहुंचवा दिया, जबकि वो पहले ही आपकी कस्टडी में आ चुके थे। ये भी हम आपको फराहम करेंगे, ये सबूत भी। इनका इनको इन तीनों लड़कों को आपने बाद में, पहले इनका इनकाउंटर आपने किया था, बाद में आपने उनमें उनको उधर डाला, इस जहां पे आपने ये वो साइट पहले ही मुकर्रर कर रखी, देख रखी थी। तीन दिन पहले भी आपने वो देख रखी थी वो साइट। आप बता रहे हैं कि तीन दिनों से हमें पता था कि वहां ये घूम रहे हैं, जबकि ये एक घंटे के पहले ही घर से आपके ज़राया ने इनको उठाया है। बस आप हमारे साथ ताउन करें, हम एक दिन में आपको सारे सबूत फराहम करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। ठीक, तुम कत्ल भी करो, हम आह भी ना करें, ये कैसा कानून है? कौन सा कानून है ये? ऊपर वाले ने हमें इस दुनिया में भेजा है ताकि मैं देखूं कि कौन सच्चाई पर यहाँ मर मिटे और कौन झूठ का साथ दे, कौन जालिम लोग यहाँ बने और कौन मजलूम यहाँ पीटा जाए। ये ऊपर वाला देख रहा है, उसकी लाठी आपके लाठी से बहुत लंबी है, जब वो पड़ेगी आप पर, जब आपको हमारी हाय लगेगी, कसम खुदा की आप लक्ष्य पर नहीं रहोगे। हम सिर्फ अल्लाह से करेंगे और कानून से हम मदद लेंगे। अगर आप जस्ट बस नहीं करोगे तो हमको जिस जहां तक भी जाना पड़े कानून के हिसाब से हम जाएंगे। हम पुरामन लोग हैं, हम जस्टिस चाहते हैं और कुछ नहीं। बाकी वसलाम।